26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और थोड़ा गणतंत्र दिवस के इतिहास पर कुछ बोलना चाहते हैं कि 26 जनवरी को क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे 1929 की कांग्रेस अधिवेशन में जब लाहौर रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर महीने 1929 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो बोले थे कि अंग्रेजों के ढूंढ मूल नीति से काम नहीं चलेगा, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और वो जगह जहां पर आज मीनारे पाकिस्तान है रावी नदी के तट पर, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीन दिवस तथ्य के रूप में मनाएंगे, स्वाधीन दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से लगातार 26 जनवरी 1947 तक हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। देश का संविधान जो बना, इस 26 जनवरी के महत्व का देखते हुए ही संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अपना देश का संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना देश का बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। उस 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, 26 जनवरी के महत्व को देखते हुए अपना देश का संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी 26 जनवरी की महत्ता के कारण हम लोग हर दिन उस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। जब अपना संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 1 शेड्यूल थे और 22 भागों में बटा हुआ था। जब अब बहुत कम लोगों को पता है, जब देश का संविधान बना था वो हस्तलिखित है और ओरिजिनल संविधान अभी भी अपना देश का हस्तलिखित है। फिर हम बोलना चाहते हैं रिपब्लिक डे, रिपब्लिक जिसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक के मतलब हुआ इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ऐसा देश जहां का शासन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हो। लेकिन हिंदी में गणतंत्र का बहुत ही व्यापक मतलब होता है। गणतंत्र के मतलब, गण के मतलब होता है समूह, तंत्र के मतलब शासन व्यवस्था। ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ समूह का शासन हो, समूह के शासन के मतलब केवल एक जाति का शासन न हो बल्कि उनमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो, केवल एक रिलीजन का शासन नहीं हो, सारे रिलीजन का शासन हो, केवल एक जगह एक राज्य का शासन नहीं, सारे देश का सम्मिलित, सारे ऐसा संविधान, ऐसा शासन व्यवस्था जो सारे देश के लोगों को, सारी भाषाओं को, सारे देश की भूमि को प्रतिनिधित्व करे, उसी को हम लोग रिपब्लिक गणतंत्र के रूप में जानते हैं। गणतंत्र अपने देश में बहुत सब, जब गणतंत्र की बात आती है तो सबसे पहले पुराने अपना देश में गणतंत्र था लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी जो वैशाली में अवस्थित है, सबसे पहले विश्व का सबसे पहला गणतंत्र माना गया जो 36 शताब्दी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र हुआ। वही लिच्छवी गणतंत्र जहाँ पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, वहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था लिच्छवी गणतंत्र, जो आज बिहारी वैशाली में। और गणतंत्र के मतलब हुआ कि जनता का शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का शासन, और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी लोगों के एस्पायरेशन, सभी लोगों के इच्छाओं को अनुरूप काम करे,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसके बाद मैं विनती करूंगा श्री एम के तिवारी एडिशनल एसपी एसपी, तो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री एम के तिवारी एडिशनल एसपी एसपी। पांच छह मिनट की रिकॉर्डिंग है, आगे चलना है। सीट उसके बाद उनके अध्यक्षता में जैसे हमारे सामने बताया पूरे विश्व का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है पूरे विश्व के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उसमें अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो लागू हुआ, और इसको बनने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान में हमको क्या क्या अधिकार है, और हमारे प्रेम्बल जो है वो हम अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए, और तब से हमारा देश लगातार प्रगति के रास्ते पर है, और देख रहे हैं कि ये बहुत गर्व की बात है कि इस 26 जनवरी को विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। अतिथि के तौर पर पहले ये भूटान और ये छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे, लेकिन इस साल सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हमारे देश में आए। ये हमारा देश निरंतर लगातार प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, बस आप लोगों को शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के चीफ गेस्ट श्री रिजन कौशिक एस एस पी एस सी बी चंडीगढ़, जो आज के शुभ अवसर पर सभी जो मौजूद हैं उनको अपने शुभ विचारों से संबोधित करूंगा। श्री रिजन कौशिक एस एस पी एस सी बी। प्यारे बच्चों, हम सब लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए गार्ड और गार्ड कमांडर, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस के महत्व का इस वक्त धरती ने एएसपी तिवारी साहब ने बखूबी बयान किया है। मैं इस बात इस विषय पर ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब से देश स्वतंत्र हुआ, एक ऐसी संविधान की जरूरत समझी गई जिसमें हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाए, सबकी भलाई के बारे में सोचा जाए। इसलिए एक बहुत विद्वान, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा, एक पिछली जाति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। वो बहुत विद्वान पुरुष थे, उन्होंने हर वर्ग के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए विश्व के अनेक संविधान का अध्ययन किया, उनकी अच्छाइयाँ ढूंढी, और हमारे देश के लिए उन सबको लागू करने के लिए संविधान बनाया। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कराया। संविधान में यह कहा गया कि भारतवर्ष
एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, इसीलिए हम तब से रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। बाद में संविधान में संशोधन करके सोशलिस्ट सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द भी जोड़े गए, इसकी भी जरूर समझी गई और आज की तारीख में हम लोग एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, राज्य मीन्स कंट्री है। इस संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, हम सब बड़ों को पता ही है संविधान में अधिकार क्या क्या है, बच्चे छोटे बच्चे सीखेंगे पढ़ेंगे हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे संविधान में जरा सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें यह भी लिखा गया है क्या क्या हमारे लिए सिद्धांत होने चाहिए। अब संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, हम लोगों को अपने संविधान में दिए गए अधिकारों की बारे में सचेत रहते हुए हमें अपने प्रिंसिपल्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि हम सीबीआई वाले जहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वहीं हम अपने प्रिंसिपल्स को भी अपने दिमाग में रखें, अपने कार्यशैली में हम अपने प्रिंसिपल रखें। हम जहां हमारा राइट बनता है, जहां हमारे अधिकार बनते हैं, हमें मानना चाहिए। साथ ही साथ हमें जहां हमें प्रिंसिपल्स है उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बच्चों को मैं बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं, उनको ये प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, छोटा सही लेकिन इससे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप परफॉर्म करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, उसके बाद स्कूल लेवल पर, उसके आगे कॉलेज लेवल पर, सब जगह इस तरह पार्टिसिपेट करने के बाद निश्चित ही हम तो कुछ दिन में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हम बच्चों के भविष्य के बारे में पूछते रहेंगे, इनका बच्चा कहाँ पहुँचा, इनका बच्चा कहाँ IPS बना, इनका बच्चा कहाँ IAS बना, इनका बच्चा कहाँ लेक्चरर बना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्मार्ट थी, जो कंटिन्यूटी की बातें करते हैं, कविता सुनाते हैं, गाने गाते हैं, इसी तरह से पढ़ाई इंटरेस्ट लेते हैं, देते रहेंगे और अपने माँ बाप का और हमारे डिपार्टमेंट CBI का नाम रोशन करेंगे। अब एक छोटा बच्चा थोड़ी देर के लिए भूल जाता लेकिन उसने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा और उसके कविता का शीर्षक था हम होंगे कामयाब, बैठा रहा, याद किया, उसके बाद कामयाब हो गया। इसी तरह कोशिश करेंगे, कामयाब जरूर होंगे हम सब लोग। ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के मुख्य मेहमान श्री इक्सर बासुकी जी को, श्री अजय तिवारी जी, DSP श्री राम सिंह जी, DSP श्री जगदीश जी, DSP श्री राजेंद्र मंजाल जी, तो प्लीज एज पे आएंगे और बच्चों को सम्मानित करें। बच्चे एक एक करके आएंगे जिनका मैं नाम बोलूँगा। अच्छा, था